नए वर्ष 2024 की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आने वाला नव वर्ष लोगों के लिए खुशियां लेकर आए, तो ऐसे में हर कोई नए साल 2024 की बढ़िया शुरुआत के लिए अभी से कुछ न कुछ उपाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नव वर्ष में कुछ चुनिंदा उपायों को करने से धन की बढ़ोतरी होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नए साल में अशोक के पत्ते से उपाय बेहद लाभकारी होते हैं। आइए नव वर्ष में किए जाने वाले उपायों के बारे में जानते हैं। अशोक के पत्ते के उपाय। अगर आप शादी में किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो नए साल में के पहले दिन स्नान करने वाले पानी में अशोक के पत्ते डालकर नहाएं। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजन करने का बड़ा महत्व है, इसलिए देवी पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, मत्स्य पुराण आदि में प्रकृति की उपासना का बड़ा दिव्य संदेश हमें ऋषियों ने प्रदान किया है। दुर्गा सप्तशती पर हम ध्यान देते हैं तो एक जगह आता भी है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता। दूसरा ये है भैया कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्रकृति हमारा कल्याण स्वाभाविक करती है। पंच पल्लवों का हमारे यहाँ पर पूजन का विधान है, उसी में अशोक के पत्ते का भी महत्व है। अशोक में ही बड़ा, इस नाम में ही बड़ी दिव्यता छिपी हुई है कि जिसके रहने पर शोक ना हो उसे ही अशोक कहते हैं, है ना, जो शोक से मुक्त कर दे व्यक्ति के जीवन में, सुख शांति वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि कर दे, है ना, शोक का समन करे, वह अशोक का वृक्ष है। उसके पत्ते की निश्चित रूप से हमें घर पे तोरण बनाना चाहिए और संभव हो तो भगवान गणेश जी को एक तांबे के पात्र में जल रख करके उस जल में हल्दी डाल करके और अशोक के पत्ते से गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः ऐसा कह करके 108 बार 1008 बार अशोक के पत्ते से भगवान गणेश जी का अभिषेक भी करना चाहिए। अगर ये अभिषेक हम करते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं और निश्चित ही रूप से वो हमारे जीवन से समस्त प्रकार के शोकों से मुक्त करके हमें सुख शांति प्रदान करते हैं। और प्रकृति की सेवा भी करना चाहिए, वृक्षारोपण आदि भी करना चाहिए और गौ माता की सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान बिना गौ सेवा के, ब्राह्मण सेवा के, कन्याओं की सेवा के सफल नहीं होता। साक्षात भूमि पर चलने वाले अगर भगवान हैं तो वह गौ, ब्राह्मण, माता पिता और कन्या है, इनकी सेवा भी अवश्य ही करना चाहिए। जो सनातन धर्मावलंबी इन समस्त सत्कर्मों के साथ में 1 जनवरी के रूप को मनाता है तो उसका जीवन निश्चित ही रूप से कल्याणप्रद होता है और उतने ही उत्साह से फिर हमें गुड़ी पड़वा महामहोत्सव को भी मनाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक नूतन नव वर्ष तो हमारा गुड़ी पड़वा ही है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, और उसमें तो स्वाभाविक देवी की उपासना होती है। चैत्र की नवरात्रि लगती है तब देवी का खूब पूजन करें, भगवती को जल चढ़ाएं, लाल पुष्प की माला समर्पित करें तो जीवन मंगलमय होगा। ओम।